अवगत दो। कहाँ से? अच्छा ये क्या पी रहे हो? पिएंगे है यार। अच्छा हमारी टीम में सबसे फेवरेट कौन लगता है? अदिल भाई, जोधी, जोधी, अदिल भाई, अदिल भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो थैंक यू सो मच। अब मैं थोड़ा सा काम करूंगा। ये आपकी ईदी, ये आपकी ईदी, ये आपकी ईदी, ये आपकी ईदी। और बाकी किसी को मत बताना वरना मेरे घर पे रच लग जाएगी। आप कोई भी आए ना, आप गेट नहीं खोलिएगा। असलम उम्मीद है कि आप सब आज से हम लोग कोशिश करेंगे कि वीक में तकरीबन 3 या 4 डेली व्लॉग डालें अपने सेकंड चैनल पे और आपको बताएं कि हमारे लाइफ में चल क्या रहा है। तो भाई अभी सीन ये है कि 5:30 बज रहे हैं, अम्मी माँ नमाज पढ़नी है, हमने वजू कर लिया है, बाल आपको गीले दिख रहे होंगे। अब हम भी पहले नमाज पढ़ेंगे, फिर आपको बताएंगे कि भाई क्या सीन है कि मैं 5:30 बजे उठ के ईद के पहले दिन क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले नमाज अदा करेंगे, फिर आप लोगों को ज्वाइन करेंगे। सो गाइस सीन ये है कि अभी बज रहे हैं 5:30, हमने नमाज अदा कर दी है फजर की। एंड सिर्फ रमजान में नहीं, बाकी दिनों में भी कोशिश करेंगे कि जिस तरह रमजान में नमाज पढ़ रहे थे इसी तरह बाकी दिनों में भी हम नमाज कायम करें। इससे हमारा ही फायदा है क्योंकि जितना आप नमाज कायम करते हो उतना अल्लाह पाक से आप करीब होते हैं और आपकी सारी दुआएं कबूल होती हैं। तो भाई सीन ऐसा है कि हमें शुरू से तकरीबन 9-10 साल तो मुझे हो गए याद, क्योंकि मुझे ईद और बकरीद एक्साइटमेंट की वजह से ना नींद ही नहीं आती पूरी रात। मैं जितना भी कोशिश कर लूँ सोने की, ऐसा लगता है कि या तो मैं नमाज में नहीं उठूंगा या तो मुझसे बहुत कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो इस वजह से मुझे नींद नहीं आती। अम्मी उठी हुई हैं, मैं भी उठाऊँ, नमाज़ पढ़ ली, अम्मी भी नमाज थोड़ी सी पढ़ रही है, सुनने से ज़्यादा कर रही है। उसके बाद अम्मी बनाएंगी थोड़ा सा मेरे लिए नाश्ता। जब तक अम्मी वहाँ नमाज पढ़ रही है तब तक हम आपको अपनी इस जगह का स्पेस का सीन बताते हैं। एक तो ये देख लें आप, अदील ब्लॉक्स नाम का हमारा नियॉन ये जो बैनर है आ चुका है एंड ये लगेगा इस वाली वॉल पे। एंड फिर लगेगी यहाँ पे ये सीट, ये गेमिंग चेयर है और बहुत ही मज़ेदार चेयर है। अच्छा मैं चीज़ें छुपाता नहीं हूँ लोगों से, तोरगार ये है एक फर्नीचर शॉप का नाम जो कि लाइट हाउस में आपको मिल जाएगी। एंड एक कंपनी है रेजर, वो जो कंपनी है ना वो बस ये होती है कि उसकी जो सीट होती है वो चाइना से असेंबल होकर यहाँ आती है, तोरगार यहीं असेंबल होती है। बस ये फ़र्क है इन दोनों में। ये अप हो गया, ये डाउन हो गया, इस तरह सीट भी ऐसी हो सकती है। एंड ये टेबल मैंने इसलिए मंगाई थी ताकि जब लैपटॉप यूज़ करें तो सुकून हो जाए। अब यहाँ पे लैपटॉप की जगह पीसी भी मंगवाएंगे क्योंकि हम जो लड़का रखेंगे ना यहाँ पर उसको प्रॉपर हम इक्विपमेंट देंगे ताकि वो अच्छे से हमारी वीडियो एडिट कर सके, उसको प्रॉपर स्पेस मिले। मैंने कहा ईद पे जब होता रोजा खत्म होते हैं तो शीर खुरमा खाते हैं, फिर सुबह नमाज को जाते हैं, ईद की नमाज पढ़ते हैं। फिर तो मुझे नाश्ता नहीं मिलेगा? नहीं नाश्ता क्यों नहीं मिलेगा, वो नाश्ता भी होगा ना, पापे है ना कुछ है ना ब्रेड। अब जब भाभी उठेंगी तभी बनाएंगी ईद, मतलब अभी मुझे 2 घंटे और भूखा रहना पड़ेगा। भूख लग रही होगी ना? भूख लग रही है। अब क्या करो, बाहर नहीं जा रहा ना, बाहर इस वक्त आपको पता है सन्नाटा है, खुदा ना खास्ता कराची के हालात वैसे बता। और अगर बाहर से जाके कुछ ले आया पापे वापे तो पेट भी खराब हो जाता है क्योंकि ये 30 के 30 दिन तो अभी पराठा खाया घर का। नहीं बिल्कुल, चले कोई नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ फिर कर लेंगे। उठेंगे ना नमाज के लिए? 1 घंटा है ना तकरीबन? बस 1 घंटे भाई। सीन ये है कि अभी अम्मी कह रही है कि भाभी को उठने का वेट करो फिर एक साथ नाश्ता कर लेंगे। वैसे बाहर से जाके तो मैं चीज़ें ला सकता हूँ जैसे बिस्किट्स वगैरह या फिर पापे वगैरह, लेकिन बात यह है कि पेट वेट ना ख़राब हो जाए। एंड इस वक्त जाना भी बहुत मसले मसाइल हैं, जो कराची में नहीं रहते उनको नहीं पता कि कराची के क्या हालात हुए हैं। कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई लॉज नहीं है, जिसका दिल चाह रहा है वो अगले को मार रहा है। एंड हमारी जितनी भी यहाँ गवर्नमेंट की जो भी यहाँ पे पुलिस है, रेंजर्स है एंड हमारी जो आर्मीज हैं, मेरी सिर्फ इनसे ये रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते जल्द से जल्द आप इस चीज़ को ओवरटेक करें कि कौन है इस सब के पीछे, क्योंकि हर इंसान की कीमत आपको अदा करनी है क्योंकि हुकूमत है आपकी। अगर आप नहीं जिम्मेदारी लेते हैं तो फिर कौन लेगा? 1 घंटा इंतज़ार करते हैं, भाई और भाभी और अम्मी वगैरह के साथ नाश्ता कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास ईद पे क्या क्या सीन हुए और मेरा एक भंड जो कि बहुत बड़ा है वो भी आपसे हम शेयर करते हैं। ये रहा भाई, ये है हमारा खूबसूरत सा प्यारा सा चिकन का सूट जो कि हमने ख़ास तौर पे अपनी ईद पे सिलवाया है नोमी भाई से। तो भाई हमने अपने अली भाई के साथ ना जाके बेहतरीन सा एक तो कपड़ा लिया और उसके बाद उसको सिलवाने के लिए भेज दिया और हमें ये वक्त पे मिल भी गया। अब आती है बारी सैंडल की, मतलब चप्पल की, कि हम इसके नीचे क्या वेयर करेंगे। फहद भाई से ऑर्डर करवाए शूज़ ओकाड़ा से,
फाद भाई ने बोला काउ लेदर है 5000 का आएगा, 5 साल चलेगा दिल, ये बेस्ट है। 4 दिन पहले ऑर्डर करा, अभी तक आया ही नहीं है, सुबह ईद है, तकरीबन 2 घंटे बाद ईद है। अम्मी गुस्सा थी, लेकिन आप क्या करें, थोड़ी जुगाड़ लगा के पुराने पहन लेंगे, किसको क्या पता चलता है भाई। One hour later. क्या हो गया, ये क्या कर रहा है भाई? ईद मुबारक तो बोल दो। है बकरीद में मजा आता है तुम्हें। सो गाइस 15 मिनट रह गए, एंड 7:45 हो रहे और नमाज है 8 बजे, तो बस मैं रेडी हो गया पूरा। अब अली भाई को लेंगे, शोमू को लेंगे और जाएंगे मस्जिद और नमाज अदा करेंगे। ओ सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? इतनी करीब के आ रहे हो कैमरे के तुम? अली भाई हमारे रेडी होंगे, सब ब्लैक ब्लैक पहने हुए आज। सब ब्लैक ब्लैक। आज कितनी ईदी जमा होगी तुम्हारी ये बताओ? हैं? मुझे कितनी ईदी चाहिए? 5000 देना वरना। 5000 पे 50 का भी नोट देगा कभी जिंदगी में? चलो भाई, ये हमारी खूबसूरत गली। तो भाई अभी अभी फ्री हुए हैं ईद से, आप घर की जाने रवा दवा हैं हम, एंड अब ईदी लेने और देने का सिलसिला जारी रहेगा 3 दिन। अब मम्मी को सलाम करते हैं, शीर खोरमा खाते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा आगे क्या प्लान है। वैसे तो कज़न वगैरह के जाना होता है और हमेशा की तरह जाना पड़ेगा, वरना लड़ाई हो जाएगी खानदान में। है नहीं, और सबसे पहले कब्रिस्तान जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह कब्रिस्तान जाना है सबसे पहले। पूरे 5000 देना वरना। 5000 में कितने जीरो होते हैं? 5000 में कितने जीरो होते हैं? उबे सही बोला। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, ईद मुबारक। क्या वो अवगत तो कहाँ से? अच्छा ये क्या पी रहे हो? पियेंगे, इसराइली है यार ये। कोई बात नहीं, हम पाकिस्तानी के फ्रेंड हो गए, हम पियेंगे अब। अच्छा हमारी टीम में सबसे फेवरेट कौन लगता है? अदील भाई, जोधी जोधी, अदील भाई, अदील भाई, अदील भाई। अच्छा अच्छा चलो, थैंक यू सो मच। अब मैं थोड़ा सा काम करूंगा, ये आपकी ईदी, ये आपकी ईदी, ये आपकी ईदी, ये आपकी ईदी, और बाकी किसी को मत बताना वरना मेरे घर पे रश लग जाएगा। आप कोई भी आए ना, आप गेट नहीं खोलिएगा। बस सही, अबे वैसे भी सोने वाला था। लाभ ये था, लाभ ईद मुबारक। बोले 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 अदील भाई, आपसे बहुत बड़ी ख्वाहिश थी मिलने की। मिल गए, ईदी भी मिल गई। चलो भाई अल्लाह हाफिज, ये सेकंड चैनल पे डलेगा और 1-1.5 घंटे में डल जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज भाई, ब्लॉग में आना था, गुड हो गया। चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मैं कितना शोर मचा रहे, मैंने ना ये लोग मुझे मिले थे शादमान में। अच्छा। तो मैंने इनको बोला था कि भाई आप लोग आ जाना, मैं आपको ईदी दूंगा। बेचारे आ रहे हैं। सो गाइस सबसे पहले हम कब्रिस्तान गए थे अपने मरहूमीन के कब्रों पे, एंड उसके बाद हम लोग गए हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ। अब वहां से सबसे मिल मिला के सबसे ईदी जमा करके हमारे पास काफी ईदी जमा हो गई है। ईदी कितनी जमा हुई है ये हम अगले व्लॉग में बताएंगे, क्योंकि ईद डे 2 का भी व्लॉग आएगा भाई, उसमें हम आपको रिवील करेंगे किसने हमें कितनी ज्यादा ईदी दी और मेरी ईदी कितनी जमा होती है। अब हम बैठेंगे थोड़े काम पे, एक लगाना है टीजर, 12 बजे तक तकरीबन मैं अपलोड कर दूंगा वो टीजर। मेरे जो दूसरा चैनल है मेन अदील ब्लॉग, उस पर जरूर देखिएगा, काफी मेहनत से बनाया है। और शाम 7 बजे मतलब मगरिब के बाद अपलोड होगा खुशदिल शाह, अनवर अली, रिजवान महमूद एंड आमिर खान, फवाद अली और इसके साथ आसिफ आफरीदी एंड इसके साथ हसन मोहसिन और भी बहुत सारे इंटरनेशनल प्लस डोमेस्टिक प्लेयर के साथ हमारी सीरीज है, वो देखना मत भूलिएगा। शाम 7 बजे वो अपलोड होगा अदील व्लॉग्स वाले चैनल पे, और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो फौरन कर दो भाई। अब मैं बैठूंगा लैपटॉप पे, अपलोडिंग करूंगा दोनों जगह पे, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को बहुत 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 ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।